नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चंपावत उपचुनाव को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यानी 9 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन कर रहे हैं और कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी 11 मई को नामांकन करने वाली है। बात को शुरू करने से पहले एक बात पर गौर करने की जरूरत है और वो यह कि चंपावत में 4 नगर निकाय है और 2018 के चुनाव में जो नगर निकाय के हुए थे उस चुनाव में एक पर भी भाजपा कब्जा नहीं कर पाई थी। टनकपुर नगर पालिका में अध्यक्ष निर्दलीय विपिन कुमार, बनबासा में निर्दलीय रेणु अग्रवाल, लोहाघाट पालिका में निर्दलीय गोविंद वर्मा और चंपावत पालिका में कांग्रेस के विजय वर्मा ने जीत दर्ज की थी। यह ध्यान में रखने वाली बात है, इस तरह से 4 में से 3 निकाय पर निर्दलीय और 1 निकाय पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था और भाजपा के हाथ खाली रह गए थे। यह तस्वीर 2018 की है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तस्वीर बदल चुकी है। टनकपुर के विपिन कुमार, बनबसा के रेणु अग्रवाल और लोहाघाट के गोविंद वर्मा पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब उपचुनाव के ऐलान के बाद 7 मई को चंपावत के नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के विजय वर्मा भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। इस तरह से एक भी निकाय न जीतने वाली भाजपा के पास इस समय चारों निकाय पर कब जाए, तो यह हुई एक बात। और दूसरी बात करें तो चंपावत में हर दिन एक खबर आ जाती है कि कांग्रेस के इतने कार्यकर्ताओं और इतने पदाधिकारियों ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस के इतने पदाधिकारियों ने भाजपा को ज्वाइन करने की तैयारी चल रही है। हर दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। चंपावत में कई लोग यह तक कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस बूथ प्रबंधन कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी चंपावत के इस विधानसभा उपचुनाव में, क्योंकि कांग्रेस में बूथ के प्रबंधन के लिए पुराने लोगों की जरूरत होगी जो कि एक के बाद एक भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए बूथ प्रबंधन को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। चंपावत विधानसभा सीट की बात करें तो कुल 151 बूथ है और 96,016 वोट है। कांग्रेस के लिए यहां पर बूथ प्रबंधन अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि करण मेहरा, भुवन कापड़ी और यशपाल आर्य की इस चुनाव पर साख लगी हुई है। वो अलग बात है कि ये लोग उम्मीदवार उतना मजबूत नहीं उतार पाए हैं, यह पूरे प्रदेश में चर्चा है। जितना मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहिए था, जितनी वहां पर जरूरत थी, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि चंपावत से पिछले 5 चुनाव हेमेश खरकवाल कांग्रेस की ओर से लड़े हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार उनको मैदान में नहीं उतारा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो चुनाव में उतरना ही नहीं चाहते थे, इस तरह की भी चर्चा है। वैसे कुछ और बातों पर भी गौर करने की जरूरत है चंपावत उपचुनाव को लेकर। जैसे पहली बात, भाजपा इस चुनाव को लेकर शुरू से ही कांग्रेस से 2 कदम आगे चल रही है। कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू नहीं की थी और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, घोषणा हो गई। माना जा रहा था कि मतदान जून के आखिर में होगा, लेकिन मतदान की तारीख 31 मई आ गई। जब तारीखों का ऐलान हुआ उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा गढ़वाल में घूम रहे थे। दूसरी बात, कांग्रेस किसी बड़े और चर्चित चेहरे को मैदान में उतार नहीं पाई है। जैसा कि मैंने कहा, इस सीट पर कांग्रेस के परंपरागत टिकट के दावेदार भी मैदान में आने से बचे हैं, जिस कारण कांग्रेस को निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारना पड़ा। हालांकि यह भी एक सच है कि निर्मला गहतोड़ी पिछले 4 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस से टिकट मांगते रही है, लेकिन कांग्रेस उनको हर बार जिताऊ उम्मीदवार नहीं समझती थी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने उनको टिकट दिया गया है, यानी कि अब उनको जिताऊ उम्मीदवार समझा जा रहा है। यह भी सवाल है कि आम विधानसभा चुनाव में जो जिताऊ उम्मीदवार नहीं समझी जा रही थी, वो इस स्पेशल चुनाव में कैसे जिताऊ उम्मीदवार समझी जा सकती है, यह भी एक सवाल है। और तीसरी बात, हरीश रावत कैंप के बड़े नेता उत्तराखंड में पार्टी के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस घटना को भी कांग्रेस के लिए उपचुनाव से एकदम पहले झटके के तौर पर देखना चाहिए। हालांकि हरीश रावत ने उनके त्याग पत्र को नामंजूर कर दिया है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि हरीश रावत के पास उनके इस्तीफे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार ही कहां है, वो केवल सलाह दे सकते हैं। और सवाल तो यह भी है कि उत्तराखंड कांग्रेस अब उनकी सलाह को
कितना सुन रही है और कितना मान रही है, यह भी एक सवाल है। वैसे एक सवाल प्रदेश में खूब किया जा रहा है आजकल, कांग्रेस के पास इस उपचुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के पास इस उपचुनाव को लेकर कई सारी चिंताएं हैं। उनमें सबसे बड़ी चिंता है भाजपा चाह रही है कि इस उपचुनाव को रिकॉर्ड मतों से जीता जाए। उत्तराखंड में पूर्व में 4 मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड विजय बहुगुणा के नाम है, जबकि सबसे कम अंतर से एनडी तिवारी जीते थे। एनडी तिवारी 4,915 वोट से जीते थे, जबकि सितारगंज उपचुनाव में विजय बहुगुणा ने कमाल करते हुए भाजपा के उम्मीदवार प्रकाश पंत को, वो बड़े चेहरे थे और प्रकाश पंत को, उनको 39,900 वोट से हराया था। अब भाजपा चाह रही है कि पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव में 40,000 से ज़्यादा वोट से जीत दर्ज करे, ताकि इतिहास रचा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चमत्कार हो पाएगा? हाल ही के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के कैलाश गहतोड़ी 5,304 वोट से जीते थे, जबकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसको वो 17,360 वोट से जीते थे। यानी करीब करीब 5 साल में 12,000 वोटों की गिरावट हुई है इस सीट पर भाजपा की झोली से। इसीलिए मैंने कहा कि क्या पुष्कर सिंह धामी चंपावत के चुनाव को 40,000 से ज़्यादा वोट से जीत पाएंगे, क्योंकि 5 साल में 12,000 वोटों की कमी आई है। क्या कुछ माह में भाजपा की झोली में 35,000 वोटों की बढ़ोतरी हो पाएगी? यह एक सवाल है। हालांकि भाजपा ने चंपावत में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, अब देखते हैं 3 जून को क्या परिणाम आता है और भाजपा कितना बड़ा चमत्कार कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।